Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक दिन पहले मियां नवाज शरीफ पहुंचे पाकिस्तान और इससे पहले भी कहा जा रहा था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन वो वापस आ गए और उन्होंने आज पेशी भी दी आज की अदालत में और अब आप देख सकते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे अफसोस और दुख हुआ है उस वाकये पे जो आज सुबह अदालत में हुआ है और मैं समझता हूँ कि मैंने अभी तलाल चौधरी साहब की ड्यूटी लगाई है कि वो इस मामले को खुद ज़ाती तौर के ऊपर जो है वो देखें और इंतज़ामिया और अदलिया अदालत के साथ मिलकर ऐसा लायमल बनाएं कि कोई इस तरह का नाखुशगवार वाकया जो है वो आइंदा पेश ना हो। और मुझे ज़ाती तौर पे इस पर बड़ा दुख है, आप जानते हैं कि मैं तो एक मीडिया का, फ्रीडम ऑफ मीडिया का तो बहुत हामी हूँ और हमेशा आपने मेरे किरदार से देखा होगा पिछले चार कि मैंने हमेशा जो है वो फ्रीडम को प्रमोट करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। तो मुझे इस वाक़े से ज़ाती तौर पर बड़ा दुख हुआ है, जिसके लिए मैं अफसोस का इजहार करता हूँ आप सबके सामने। मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि इसके ऊपर जो है वो अमल फौरी तौर के ऊपर किया जाएगा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आपकी तशरीफ़ आवरी पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको मालूम है कि मुझे अपनी अहलिया की बीमारी की वजह से हंगामी तौर पर लंदन जाना पड़ा। उनकी बीमारी की नौइयत और इलाज के मुख्तलिफ मरलों की तफसील आपके सामने आ चुकी है। मैं आपके ज़रिए पाकिस्तानी अवाम का भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी अहलिया को दुआओं से नवाजा। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। ये बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि ज़रूर से एक दिन ज़्यादा भी मैं मुल्क से बाहर रहूँगा। किसी मरहले पर ये ज़रा आवाज़ ठीक करें भाई, किसी मरहले पर ये मौजू ज़ेरे बहस भी नहीं आया। मेरे करीबी रुफका अच्छी तरह वाकिफ थे कि मेरी जल्द अज जल्द वापसी मेरी रवानगी के साथ तय हो गई थी। मुझे अफसोस है कि इल्ज़ामात और झूठ की सियासत करने वालों ने तरह तरह की कहानियां तराशी। मेरा माजी गवाह है कि मैंने हालात की संगीनी का सामना इससे पहले भी बारहा किया है और अब भी कर रहा हूं। ये मेरी जात का नहीं, मेरे खानदान का नहीं, पाकिस्तान और 20 करोड़ अवाम का मसला है। मैं उन्हें तनहा नहीं छोड़ सकता। मैंने हर तरह की धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए आमरियत के दौर में भी 10 साल पहले, यानी ठीक 10 साल पहले इसी सितंबर के महीने में PIA की इसी फ्लाइट 786 PK 786, तब भी 786 थी, उससे पाकिस्तान का सफ़र तय किया था। तब मुझे इस्लामाबाद के हवाई अड्डे से बाहर न निकलने दिया गया और फिर से मुल्क बदर कर दिया गया। अदालत के हुक्म की इस खुली तौहीन का मुकदमा आज भी अदालत की किसी अलमारी में पड़ा होगा। शायद ऐसे कई मुकदमों की फाइलें इंसाफ और कानून की अरसा दराज से मुंतजर हैं। अदालती और कानूनी अमल से फरार हमारा तरीका नहीं। हम आईन और कानून में यकीन रखने वाले लोग हैं, आईन और कानून ही की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियां भी दी हैं। एक डिक्टेटर की आमरियत के सामने सर झुकाने से इनकार किया,
काल कोठियों की कैद काटी है, हथकड़ियां पहनी हैं, नाअहली और जलावर्दी बर्दाश्त की है, हाईजैकर होने के जुर्म में लंबी कैद की सजा पाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आमरियत के सामने सर नहीं झुकाया। मैं कानून और इंसाफ के उस अमल से भी गुजरा हूं, मैं कानून और इंसाफ के इस अमल से भी गुजर रहा हूं। फर्क यह है कि तब आमरियत का दौर था और आज हम एक जमहूरी दौर से गुजर रहे हैं। फर्क यह है कि आमराना दौर में दहशतगर्दी की अदालतों से सजाएं पाने के बाद भी मुझे दो दो अपीलों का हक हासिल था, आज मुझे इस हक से भी महरूम कर दिया गया है। एक अदालत ने पहले पटिशन को फजूल और नाकारा करार दिया, फिर उसी अदालत ने मुकदमे की समाअत शुरू कर दी। कोई सबूत ना मिला तो उसी अदालत ने पुरइसरार तरीके से एक जेआईटी बना डाली, उसी अदालत ने जेआईटी की निगरानी भी संभाल ली, उसी अदालत 5 और कभी 3 जज साहिबान के साथ फैसले भी सुना दिए। फिर उसी अदालत ने नैब को हुक्म दिया कि अपने सारे जाबते बरा रास्त रेफरेंस दायर करो। फिर उसी अदालत ने नैब का कंट्रोल भी संभाल लिया। फिर वही अदालत एहतसाब कोर्ट की निगरान भी बन गई, और अगर जरूरत पड़ी तो यही अदालत मेरी आखिरी अपील भी सुनेगी। क्या ऐसा होता है इंसाफ? क्या इसे कहते हैं कानून की पासदारी? क्या आईन का आर्टिकल 10A यही कहता है? क्या फेयर ट्रायल इसे ही कहते हैं? मैंने वुकला कन्वेंशन में 12 सवालात उठाए थे। एक माह से जायद का अरसा गुजर गया, किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। जवाब आ भी नहीं सकता, इसलिए कि 70 साल मुल्की तारीख में यह पहला केस है जिसमें अदल और कानून का पूरा वजन पिटिशनर के पलड़े में डाल दिया गया और दफा करने वाले के तमाम आईनी और कानूनी हकूक सल्ब कर लिए गए। ये वही मुकदमात हैं जिन्होंने 24 साल पहले सियासी इंतकाम की कोख से जन्म लिया, मुशर्रफ के 10 साल दौरे आमरियत में उन्हें मुझे सजा दिलवाने के लिए इस्तेमाल भी किया, लेकिन उस वक्त भी हर तरह की छान फटक के बाद भी इनमें से रत्ती भर इल्जाम भी साबित न हो सका। आज फिर आमरियत के दौर के उन पिटे हुए मुकदमात को उन्हीं मकासद के लिए दोबारा इस्तेमाल किया। हम खुली आंखों से देख रहे हैं कि इंसाफ और कानून के तकाजे किस बुरी तरह लेकिन हम कार्रवाई में शामिल रहे। बिलाखिर फैसला यह आया कि एक पाई की करप्शन, बदनवानी, रिश्वत, कमीशन या किकबैक या फिर इख्तियारात का कोई गलत इस्तेमाल साबित नहीं हुआ। चूंकि मुझे नाअहल करना ही था इसलिए अकामा की आड़ ली गई। मुझे तो इतना इंसाफ भी नहीं दिया गया कि यह इतराफ ही कर लिया जाता कि चूंकि आपको
पनामा में सजा नहीं दी जा सकती, इसलिए अकामा का बहाना बुनियाद बना लिया गया। बताते थे लोगों को कि पनामा में कुछ नहीं मिला, लोगों को बता देना चाहिए था कि पनामा केस पनामा का था, पनामा में कुछ नहीं मिला, लिहाजा अकामा जो उस पर सजा दी जा रही है, ताकि लोगों को सही और साफ बात समझ आ जाती। मैं अदालती फैसला आते ही एक लम्हे की ताखीर के बगैर अपने ओहदे से सबकदोश हो गया, लेकिन इस फैसले पर वोकला बरादरी ही नहीं, समझ बूझ रखने वाला हर शख्स हैरतजदा है, जिसे आईनी और कानूनी माहरीन ने नहीं माना उसे मैं कैसे तस्लीम कर लूं। ऐसे फैसलों पर अमल हो जाता है, सजाएं मिल जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई तस्लीम नहीं करता। हम कैसे इस फैसले पर ईमान ले आए? ऐसे फैसलों के खिलाफ अदालत में अपील हो या ना हो, अवाम और तारीख की अदालतों में अपीलें लगती रहती हैं, उनके फैसले भी आते रहते हैं। मेरी पहली अपील पर तारीख साज फैसला जीटी रोड पर निकलने वाले लाखों अवाम ने सुनाया। चार दिन और चार रातें ये फैसला फिजाओं में गूंजता रहा। बरी इमाम की नगरी से दाता की नगरी तक इस फैसले की गूंज आज भी मौजूद है। और फिर मेरी अपील पर फैसला हल्का NA120 NA120 ने सुनाया। दो टोक और अब वाज़े अवामी फैसला। ये फैसले इंशाअल्लाह मुसलसल आते रहेंगे और एक बड़ा फैसला इंशाअल्लाह 2018 में आएगा। ऐसा अजीम फैसला जो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से आज तक इस तरह के फैसलों को, मैंने पनामा ड्रामा पर दायर होने वाले मुकदमे का सामना किया है, उस मुकदमे का जिसमें बारे सबूत मुदई की बजाय हम पर डाल दिया गया। मैं और मेरे बच्चे उन हीरों, हीरे का लफ्ज आपको पता है कहां से आया है, मैं और मेरे बच्चे उन हीरों से बनी JIT के सामने कई बार पेश हुए, जिन्हें व्हाट्सएप कॉलों के जरिए चुना गया। उनमें ऐसे हीरे भी थे जिनकी अपनी इंक्वायरियां हो रही थी। ये हीरे अब सबसे मुकद्दस मखलूक बन चुके हैं, जिनके खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकती। आज मैं एहतसाब अदालत के सामने भी पेश हो गया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जमीर साफ है, अल्लाह का शुक्र है मेरा दामन साफ है, मुझे अल्लाह की मदद पर कामिल ईमान है, और उसी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के अवाम भी मेरे साथ खड़े हैं। और अब भी यही उम्मीद रखता हूं कि कहीं ना कहीं इंसाफ जिंदा जरूर है। बज़ाहिर निशाना मेरी जात है, मेरा खानदान है, लेकिन सजा पूरी कौम को मिल रही है, पूरे मुल्क को मिल रही है, करोड़ों पाकिस्तानियों को मिल रही है, उनकी आने वाली नस्लों को मिल रही है। एक तरक्की करते आगे बढ़ते हुए जमहूरी पाकिस्तान को देखते देखते तमाशा बना दिया गया।
मैं कोई फलसफा नहीं बयान कर रहा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं कर रहा, मैं सीधी सादी बात कर रहा हूं कि खुदारा इस मुल्क को आईन के मुताबिक चलने दो। अगर आईन पाकिस्तान के अवाम को हुक्मरानी का हक देता है तो उनके इस हक को तस्लीम कर लो। हीलों बहानों से उनकी मुंतखब क्यादत को निशाना ना बनाओ। 70 साल से यही कुछ होता आया है। इसी खेल ने पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया। खुदा के लिए अब इसे आईन की राह पर चलने दो। अहलियत और ना अहलियत के फैसले 20 करोड़ इंसानों को करने दो। उनका ये आईनी हक उनसे मत छीनो। लेकिन इंसाफ का अमल जब इंतकाम का अमल बना दिया जाए तो पहली सजा किसी फर्द को नहीं मिलती, खुद अदालती अमल को मिलती है। फैसलों की साख ना रहे तो अदालतों की साख भी नहीं रहती। हमारी तारीख ऐसे फैसलों से भरी पड़ी है जिनका जिक्र करते हुए भी नदामत होती है। तमीजुद्दीन से लेकर नवाज शरीफ तक एक ही कहानी के बाप बिखरे पड़े हैं। वक्त आ गया है कि हम 70 साल पुराने कैंसर का इलाज तजवीज करें, वरना मुझे डर है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी सानहे का शिकार ना हो जाए। मैं झूठ पर मबनी बेबुनियाद मुकदमे लड़ रहा हूं, सजाएं भी पा रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक हकीकी और सबसे बड़ा मुकदमा लड़ने का तहिया भी कर लिया है। ये मुकदमा है कायदे आजम के पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम का मुकदमा, आईन का मुकदमा, जमहूरियत का मुकदमा, अवाम के हक के हुक्मरानी का मुकदमा, वोट के तकद्दस और एहतराम का मुकदमा। 70 बरस के दौरान निशाना बनने वाले वज़ीरे आज़म का मुकदमा। इंशाअल्लाह मैं ये मुकदमा लड़ता रहूंगा और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह के आखिरी फतह अवाम और पाकिस्तान की होगी। पूरी कौम जान चुकी है कि मेरी नाहली का सबब यह बताया गया है कि मैंने जो तनख्वाह अपने बेटे से वसूल नहीं की वो मेरा असासा थी। मैंने वो असासा जाहिर ना करके खयानत की, लिहाजा सादिक और अमीन नहीं रहा। काश मेरे असासे खंगालने वालों की नजर कुछ और असासों पर भी पड़ती जो मेरे सियासी अकाउंट में जमा है, जिनसे मेरे वतन के अवाम तो वाकिफ हैं लेकिन कुछ लोगों की नजरों से ओझल हैं। दुनिया भर की मुखालफत, हर तरह की लालच और हर तरह की धमकियों के बावजूद पाकिस्तान के एटमी असासों का ऐलान किसने किया? पाकिस्तान को बंदरगाहों
मोटरवेज, हाईवेज, मेट्रोज, हवाई अड्डों, डैम्स और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के हर असासे पर किसका नाम लिखा हुआ है? लवारी टनल, कच्ची कनाल, नीलम जेलम कोई मामूली असासे हैं? बिजली के कारखाने, और इतनी कम मुद्दत में ये कारखाने, कोई मामूली असासा है? गैस की किल्लत का खात्मा, लोड शेडिंग का खात्मा, दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा, क्या ये मामूली असासे हैं? गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट सी पैक की शक्ल में 54 अरब डॉलर की सरमायाकारी कोई मामूली असासा है? कराची, बलूचिस्तान और फाटा में अमन का कयाम मामूली असासे हैं? पाकिस्तान की डूबती मईशत को तरक्की करती हुई इकॉनमी में बदलना कोई मामूली असासा है? पाकिस्तान के अवाम में एतमाद और यकीन पैदा करना कोई मामूली असासा है? और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रोजगार के शानदार मौके पैदा करना कोई मामूली असासा है? काश इन असासों पर भी एक नजर डाल ली जाए, लेकिन मेरे लिए खुशी और इत्मीनान की बात यह है कि मेरी कौम इन असासों से वाकिफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो इनकी कदरों कीमत भी जानती है। कौम का ये एतमाद, कौम की ये मोहब्बत मेरे लिए सबसे कीमती असासा है। मुझे मालूम है कि मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है। मैं जानता हूं कि मेरा असल जुर्म क्या है, लेकिन मैं अपने अवाम के साथ इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा। माजी में तरह तरह की अदालतों में पेशियां, मुकदमे और सजाएं मुझे अवाम से दूर नहीं रख सकी। अब मेरे और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की ख्वाब ही रहेगी। कौन होगा जो नहीं जानता कि 2013 में पाकिस्तान की क्या हालत थी, और कौन है जो नहीं जानता कि 2017 का पाकिस्तान कितनी मंजिलें तय करके कहां पहुंच चुका है। 4 बरस के दौरान हमने जलसों, जुलूसों, धरनों और फितना फसाद के बावजूद तामीर और तरक्की का पहिया नहीं रुकने दिया। हमारी पूरी कोशिश है कि तरक्याती मंसूबे, बिलखसूस सी पैक और बिजली के मंसूबे, तवानाई के मंसूबे वक्त पर मुकम्मल हों। मैं इंशाल्लाह अपनी या अपने खानदान की मुश्किलात को पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात नहीं बनने दूंगा। मैं इस मौके पर पाकिस्तान के बहादुर और गयूर अवाम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। मैं खास तौर पर हल्का NA-120 के अवाम का बेहद शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुश्किलात के बावजूद मुस्लिम लीग नून को फतह दिलवाई। उनका ये फैसला हमारी सियासी तारीख के एक अहम संगे मील के तौर पर इंशाल्लाह हमेशा याद रखा जाएगा। मैं अपनी जमात मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, रहनुमाओं, अहदेदारों और अरकान पार्लियामेंट को भी खराज तहसीन पेश करता हूं जो मुकम्मल इत्तेहाद और यकजहती के साथ अपनी जमात से जुड़े हुए हैं। उनका ये अज़म, ये जज्बा और ये इत्तेहाद हमारी तारीख में सुनहरी जमहूरी इकदार का एक नया बाब लिख रहा है। इंशाल्लाह ये इत्तेहाद और अवाम की हमायत
2018 के इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की जमानत बनेगी। अब हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफर का रुख पसमानदगी, गुर्बत और बदहाली की तरफ नहीं मुड़ने देंगे। मैंने पाकिस्तान के तहफ्फुज और तरक्की की कसम खाई है। अपने इस अहद वफा के लिए जो भी कीमत और कुर्बानी अदा करनी पड़े अदा करता रहूंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब हाउस में मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, गो के उन्होंने सवालात नहीं लिए, सिर्फ और सिर्फ जो उनका नुक्ता नजर था, जो आइंदा का लाहे अमल था वही उन्होंने बताया। और इस हवाले से वो बता चुके हैं कि अब वो लड़ेंगे, अवाम के हक के लिए लड़ेंगे, अवाम के हुकूक के लिए लड़ेंगे। उनका कहना है कि मैं अवाम के साथ खड़ा रहूंगा और मैं जानता हूं मुझे क्यों निकाला, मेरा कसूर क्या था, लेकिन बताऊंगा नहीं। हमारी 70 साल तारीख में मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेकर मेरे केस तक इंसाफ पामाल हुआ है। उनका कहना था कि खुदारा इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलने दो, अहलियत और ना अहलियत के फैसले 20 करोड़ अवाम को करने दो, निशाना मैं और मेरा खानदान है, लेकिन सजा पूरे मुल्क को मिल रही है। वो कहते हैं मुझे ना अहल करना था, इसलिए अकामा का सहारा लिया गया। कम से कम यही बोल देते कि केस पैनामा का था लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला, लिहाजा ना अहल करने के लिए अकामा का सहारा लेना पड़ा और अब इसी अदालत ने नैब का कंट्रोल भी संभाल लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा करते हुए उन्होंने कहा कि अहलिया की तबीयत खराब थी, दुआओं के लिए सबका शुक्रगुजार हूं, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि मेरे वहमो गुमान में ना था कि मैं बगैर जरूरत के एक दिन भी बाहर रहूंगा, लेकिन इस सूरत हाल पर भी बुरी तरीके से हमने देखा कि सियासत की गई। उन्होंने कहा कि मुल्क बदर भी किया गया, 10 साल पहले भी मैं जब वापस आया था तो इसी तरीके से सियासत की जा रही थी, क्योंकि डिक्टेटर के सामने सर झुकाने से ने इनकार किया था, लेकिन काल कोठरी और जुल्म के इल्जामात की जेल काटने के बावजूद आमरियत के सामने मैं झुका नहीं। आज भी कानूनी जंग का सामना है, लेकिन आज आमरियत नहीं जमहूरियत है। एक ही अदालत ने पुरस्कार तरीके से जेआईटी बनाई, उसी अदालत ने बगैर सबूत ना अहल कर दिया, उसी अदालत ने नैब का कंट्रोल संभारा और उसी अदालत ने अब एहतसाब में मेरे केस को सुनना है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आज न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा ने। शौकत, मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, आप क्या कहेंगे? अब वो कह रहे हैं कि बड़ा अवामी फैसला 2018 में आएगा और इस तरीके के फैसले अभी आते रहेंगे और मैं अवाम के साथ खड़ा रहूंगा। ये वही बातें हैं, वो जीटी रोड पर जो कहते रहे 4 दिन, वही मौकफ है जो उन्होंने लाहौर अपनी तकरीर में जाकर किया, और वही मौकफ है जिसका NA-120 में वो बार बार इनकी पार्टी क्यादत कहती रही। कहा कि जो 3 अवामी अदालतों की इन्होंने बात कर दी, पहली अवामी अदालत तो उन्होंने जीटी रोड के लोगों के बारे में बताया कि जहां जहां से वो गुजरे लोग अपना फैसला देते रहे, मीन इनके जलूस में, इनके जलसों में आते रहे। दूसरा वो कह रहे हैं कि दूसरी बड़ी अवामी अदालत थी NA-120 के इलेक्शन में जो कि ये जीत गए, लेकिन उसको तो दूसरी जमातें खसूसन PTI इनकी कामयाबी नहीं करार दे रही। वो कह रही हैं के 92,000 यानी 92,000 वोट लेने वाली जमात ने अभी तो 60,000 वोट लिया, 30,000 वोट में कमी आई और यकीनन वोट में कमी आई। अब मियां साहब 2018 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन तो जब आएगा तो मालूम होगा कि कौन सी जमात। ठीक है शौकत पराचा, आप हमारे साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहिबा ने। आसमा साहिबा, हम देख रहे हैं कि आज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम बातें की, आइंदा का लाए अमल क्या नजर आ रहा है आपको, क्या कुछ उन्होंने वाजे किया? जी, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके फौरन बाद जो रिएक्शन तो यही है कि टोटल डिफाइंस है, इंकार है और डट जाने का जो है वो ऐलान है। काफी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती, हुक्मरानी, अवाम का हक राय दही या हक जो वोट है उसके ऊपर उन्होंने बात की है, और ये भी कहा है कि अवाम की अदालत में वो सुरखरू हुए हैं और बड़ी अदालत जो फैसला करेगी 2018 में वो भी मानेंगे। उन्होंने मुख्तलिफ रेफरेंसेस भी दिए हैं कि पानामा के हवाले से जो उनका पुराना मौकफ है
के पनामा के ऊपर बात थी और अकामा के ऊपर सजा दी गई। बहरहाल उनकी जो मेन लाइन थी वो ये थी कि उनको उनके खिलाफ ये एहतसाब जाती उनकी हैसियत में किया जा रहा है और उनको निशाना बनाया जा रहा है जिससे कि मुल्क को नुकसान होगा। इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही है बिल्कुल कि अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। उससे पहले वो तकरीरें जो मुख्तलिफ करते रहे नाइलियत के बाद मियां साहब मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने इसी तरह की बातें की हैं और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नाइलियत के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, उसके अंदर भी उन्होंने वही बातें की हैं। लेकिन आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा अदलिया को जस्टिस मुनीर की अदलिया साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि मौलवी तमीजुद्दीन केस से जो फैसले आना शुरू हुए हैं मेरे केस तक बिल्कुल वही फैसले आए हैं और इंसाफ का जो है वो अलम जो है वो बल्कि गिराया गया है, इंसाफ नहीं दिया गया है। अब वो कहते हैं कि पहले तो मुझे अपील का भी हक दिया जाता था, इस बार तो मुझे अपील का भी हक नहीं दिया गया। आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में मजीद वो अदलिया पर जो है वो इसी तरीके से इल्जाम आयद करेंगे? जी बिल्कुल, ये तो साबित हो गया है कि वो बात करेंगे इस हवाले से और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए भी हैं और उन्होंने ये शिकवा किया है कि उनके साथ जाती जो मुखासमत है वो की जा रही है और वो अकेले हैं जो कि इसका निशान है और सजा किसी और की है जो कि उनको दी जा रही है किसी और बात की। लेकिन बात यह है कि मियां साहब को अब जो भी उन्होंने फैसला किया उनका लाए अमल क्या होगा, वो पीपल टू पीपल यानी लोगों के साथ वो कांटेक्ट करेंगे यानी उनका कांटेक्ट आवाम के साथ होगा, वो किस तरह से होगा, जलसे करेंगे, जुलूस निकालेंगे, रैलियां करेंगे, लोगों को किस तरह से एतमाद पे लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ये बात कि वो क्योंकि पहले जो उनका प्रोग्राम बना था वो यही था कि वो पब्लिक रैलीज में जाएंगे और वहां पे लोगों के साथ बात करेंगे। ये तो सारी वही बातें जो कि पानामा के बाद मियां नवाज शरीफ और उनका खानदान NA120 के अंदर उनकी साहबजादी ये बातें करते रहे हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने बातें कही हैं मसलन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में कही हैं, उन्होंने 70 साल से के वुजरा का जो मुकदमा है वुजरा आजम का वो लड़ने की बात की है, तो ये बिल्कुल एक सिविल और जो एक जुडिशरी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मिलिट्री बल्कि जुडिशरी के खिलाफ जो उन्होंने एक अज़्म किया है या एक लड़ाई लड़ने की बात की है, ये मुखासमत बढ़ेगी इदारों के दरमियान और बढ़ेगी और 6 महीने के अंदर एहतसाब के जो फैसले उनके होने हैं उनके अंदर जो भी फैसला होगा वो कहते हैं मैं तस्लीम तो करूंगा लेकिन वो किस तरह से उसका मुकाबला करेंगे और किस तरह से अदालत जो है वो डिफेंसिव पे जाएगी, ये बहरहाल एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने फेयर ट्रायल की बात की है कि उनको 10A के तहत फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो वो जो आईन की शिक है जिसके तहत उनको अपील का हक नहीं है, तो ये आईन और ये जो कानून है ये तो पार्लियामेंट के अंदर है, तो पार्लियामेंट के अंदर उनको तब्दील करना जरूरी है। एक आईन के अंदर तब्दीली तो वो ले आए जो कि नाहलियत के बावजूद सदारत का या सरबराही का हक है उनके पास रहेगा, तो ये भी उस मामले के ऊपर भी उनको बात सही आसमा शिराजी ये जानना चाहेंगे। एक दफा फिर हमने देखा कि साबिक वजीर आजम ने GIT को तंज का निशाना बनाया, तनकीद तो मैं नहीं बोलूंगी डायरेक्टली लेकिन उन्होंने तंज किया कि मेरी पूरी फैमिली ने हीरो से बनी GIT का सामना किया जिन्हें व्हाट्सएप कॉल्स पर चुना गया और उन पर खुद इल्जाम और मुकदमा चल रहे थे लेकिन उन्हें कोई सजा कोई अदालत सजा नहीं सुना सकती, ये भी उन्होंने कहा। जी बिल्कुल, ये तो खैर अभी कुछ दिन पहले जस्टिस फायजीसा ने भी जो इरफान मंगी थे उनके बारे में बात कही और कहा कि उनको बहुत सारे मुकदमात का फैसला उनके खिलाफ है, उनके इंक्वायरियां हैं लेकिन अब उनको हम टच नहीं कर सकते, उनको हम हाथ नहीं लगा सकते, ये बात तो जस्टिस फायजीसा साहब ने भी कही। तो कुछ लोगों के रिजर्वेशन थे और PMLN के पास भी थे लेकिन क्या ही अच्छा होता कि जो इतना जबरदस्त ये पानामा का केस चला और इतना लंबा चला और इतने तरीके के साथ उसको बेहतर तरीके से उसको डील किया गया अदलिया की जानिब से, क्या ही अच्छा होता कि जो रिजर्वेशन इनके उस कमेटी के ऊपर थे उस GIT के ऊपर थे उनको उस वक्त जो है वो हल करने की कोशिश की जाती ताकि इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ बात कर रहे हैं उनको ये बात करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब जो भी बात है ये बातें तो वो अब आवाम के सामने कहेंगे, बिलाखिर उन्होंने आवाम के सामने जाना है, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने वोट लेने हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं ये मुश्किल पैदा कर देंगी मियाँ शहबाज शरीफ के लिए। आपको याद है कि मॉडल टाउन थाने के हवाले से जो प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है ये कहा जा रहा था कि मियां साहब का रवैया अगर नर्म होगा तो शायद ये प्रेशर शहबाज शरीफ के ऊपर से टल जाए, लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है ठीक है, आप ये कह रही हैं कि अगर इसी तरीके का रवैया मियां नवाज शरीफ ने रखा तो फिर शरीफ फैमिली के लिए ये नुकसानदेह होगा। शौकत इस हवाले से भी आप कमेंट कीजिएगा, आया किस हद तक मुश्किलात खड़ी करेगा मियां नवाज शरीफ का ये रवैया पूरे शरीफ खानदान को। I
थिंक शौकत की लाइन ड्रॉप हो गई है। आसमा, आप ही से बात करना चाहूंगा, आप ये कह रही हैं कि अब ये मुश्किलात मजीद खड़ी करेगा शरीफ फैमिली के लिए। मियां नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो उनका लाहे अमल था वो उन्होंने बताया, लेकिन सवालात जवाब का हिस्सा नहीं बने वो, और वो बस शुक्रिया करके चले गए, ये वजह क्या थी? जी, ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि मीडिया को बुलाया गया था वहाँ पे, हमें खुद जाना था लेकिन नहीं पहुँच सके। लेकिन मसला ये कि जो जर्नलिस्ट है वो सिर्फ इसलिए जाता है कि उसके साथ बात हो सके और वो कम्युनिकेशन कर सके और सवालों के जवाब हो सके। मियां साहब का लिखा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये आवाम से खिताब ही था, इसको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये कि जो सहाफी वहाँ पे मधु किए गए थे, अगर उनसे सवाल ले लिए जाते तो शायद बहुत सारी चीजें बेहतर सामने आ जाती, लेकिन बहुत मोहतात रवैया मियां साहब की तरफ से जो है वो रखा गया है, और इसके मोहतात रवैये के पीछे बहुत सी चीजें, क्योंकि उनके मामलात इस वक्त जो है वो कोर्ट में चल रहे हैं और वो नहीं चाहते होंगे कि कोई ऐसी चीज निकल आए जिससे कि उनको कल को उनके लिए प्रॉब्लम बन सके। और सुबह से जो है वो जो हमें पता चल रहा है, जो कि पंजाब हाउस के अंदर बात भी हो रही थी कि इसके ऊपर जो प्रेशर उन्होंने देना था उसके ऊपर उन्होंने काफी बात की, और अपने जो मुशावरत थी उनकी वो जारी रही अपने साथियों के साथ, वो सही सही बात है। लेकिन जो लोग आए उनके सवालों के जवाब आसमा, ये बताइएगा, आज चौधरी निसार ने भी मुलाकात की थी मियां नवाज शरीफ से, और अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मियां नवाज शरीफ ने तो वो उसमें भी मौजूद थे। चौधरी निसार का मियां नवाज शरीफ जब लंदन में थे तो मौकिफ ये था कि इदारों से तसादुम नहीं होना चाहिए, इदारों के खिलाफ जो है इल्जाम तराशी नहीं होना चाहिए। आज वो उनके बराबर में ही बैठे थे लेकिन मियां नवाज शरीफ इल्जाम आयद कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है अब चौधरी निसार का जो माइंड सेट है वो एक बार फिर मियां नवाज शरीफ के माइंड सेट से जा मिला? मेरा ख्याल है कि उसमें जो उन्होंने जो महाजराई की बातें की थी उसमें से मियां साहब ने कुछ माइनस कर दी हैं कुछ इदारों के खिलाफ बातें, और अब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अदलिया के खिलाफ जो है वो बात करना शुरू की है। और जहां तक चौधरी निसार साहब का ताल्लुक है, चौधरी निसार साहब हमेशा उनका ईगो प्रॉब्लम रहा है, और मेरा ख्याल है वो काफी हद तक उनकी ईगो मसाज की गई होगी, और उसके साथ साथ ये कि चूंकि उनका मसला कुछ और लीडरशिप के हवाले से और लोगों के हवाले से था, तो आपने देखा होगा कि एहसन इकबाल भी इस मौके पे मौजूद नहीं थे और ख्वाजा आसिफ भी इस मौके पे मौजूद नहीं थे। अच्छा, आसमा एक दफा फिर हम नवाज शरीफ की माइनस मरियम जो है वो मामला देखने को मिल रहे हैं। अच्छा आसमा, एक दफा फिर हम बात करते हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ ने कहा, उन्होंने खासतौर पर एक कंपेरिजन किया अदालतों के फैसलों का उस दौर में जब आमरियत हुआ करती थी और आज के दौर में जब जमहूरियत है, और फिर उन्होंने कहा कि इसमें काफी हद तक मुमासलत है, तो इस बात को आप क्या समझती हैं, किससे वो ज्वाइन करना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, वो इस बात को जाहिर है कि वो उनका तो इशारा उन्हीं कुवतों की तरफ है जो कि हमेशा से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को डीरेल करती रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली काफी मरतबा मियां साहब खुद उसका हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब वो समझते हैं कि वो पॉलिटिकली करेक्ट हो गए हैं और वो नजरियाती हैं, तो चले उनकी इस बात को हम तस्लीम कर लें। वो कह रहे हैं मौलवी तमीजुद्दीन से लेके अब तक उनके तक जितने मुकदमात हैं वो उनके तमाम ज़राए आज़म का मुकदमा लड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहरहाल इसको हमें देखना पड़ेगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, यूसुफ रजा गिलानी थे, या मुख्तलिफ जो वज़राए आज़म रहे उनके साथ अदलिया का सलूक, और फिर मार्शल लॉ के साथ अदलिया का जो सलूक रहा और जिस तरह से रेटिफिकेशन होती रही अदलिया की तरफ से, वो एक अपनी जगह एक अटल हकीकत। तो अब आसमा आप कैसा देख रही हैं, आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ का अब क्या स्टैंड होगा, क्या मौकफ होगा? इसी तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आवाम में जाएंगे और एहतसाब अदालत में भी शरीक होंगे, तीनों जानिब जो है वो खेलेंगे? मेरा ख्याल है कि वो आवाम की अदालत और जो कानून की अदालत है उसके सामने एक ही वक्त में दोनों तरफ वो जाएंगे, दोनों अदालतों के पास जाएंगे, अपना मुकदमा आवाम के सामने भी रखेंगे और इन अदालतों को भी पेश करेंगे जो कि एहतसाब अदालतें हैं। और ये 2018 के इलेक्शन की तैयारी है बिल्कुल, और उसमें मियां साहब हमें तो ये भी मिल रही हैं कि शायद वो मुमकिन तौर पर वो सदारत के अहदे के लिए भी खुद को नॉमिनेट ना करें, और अगर ऐसा होता है तो मियां नवाज शरीफ जो है वो एक लीडर की हैसियत से अपना काम करेंगे, और जो भी सदर होगा पार्टी का वो पार्टी को उस तरह से चलाएगा, एक स्टेटमैन की सूरत वो कोशिश करेंगे कि वो पार्टी को आगे लेके चले। लेकिन ये मुश्किल काम इस तरह भी होगा कि उनके साहबजादे उनकी साहबजादी जब तक वो भी अदालतों को आके मुकाबला नहीं करेंगे, उनको फेस नहीं करेंगे, ये जरूर कहा जाएगा कि मियां साहब तो आ गए लेकिन उनकी फैमिली
सामने नहीं आ सकी, उसकी वजूहत वो कि उन्होंने बताई और उनकी वाकई उनकी अहलिया जो है उनकी तबीयत काफी खराब है, उनकी सर्जरीज भी हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब आवाम की अदालत को प्रेफर ज्यादा करेंगे और लोगों के साथ जो जलसे हैं और वो उनका कैजुअल शायद आ जाएगा कुछ दिनों में कि कहाँ कहाँ वो जाएंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी है और जाहिर है कि पॉलिटिकल लीडर के तौर पर वो पब्लिक के पास ज्यादा जाएंगे। आसमा शेराजी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज नवाज शरीफ की जानिब से, यह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिस पर बात कर रही थी। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया था इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा ने भी, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और इससे मजीद भी बात करेंगे, अभी लेंगे एक ब्रेक और उसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।